एवरीवन प्रलीन लिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोल्लम गया था केरला में, जब मैं और मेरे डैड शॉपिंग के लिए गए थे वहाँ पे एक मार्केट में, और मार्केट से हम जब घर जा रहे थे तो कुछ 8:30 का टाइम था, स्ट्रीट फेस्टिवल टाइप का कुछ तो वहाँ पे एक था। मुझे किसी ने बताया वहाँ पे कि जो इन लोग का अभी फेस्टिवल का टाइम चालू है, डेट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन 3rd February लास्ट डे था। मैं और मेरे डैड वहीं पे थे, तो हमने सोचा कि चलो इसका भी एक वीडियो निकाल लेते हैं। मैंने मेरे जो GoPro है वो मैंने अपने डैड को दे दिया, GoPro में वीडियो निकालने लग गए और मैं कैमरा में अपने कैमरा लेके गया। मैं अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। एंड मेरे डैड तो बेचारे इतने एज्ड है, फिर भी मेरे लिए वो भाग रहे थे मेरा GoPro लेके। मैंने उनको कहा भी कि आप मत भागो, आप एक ही जगह पे खड़े रहो, लेकिन मेरे डैड वाज लाइक वो सबके आगे जाना चाहते थे और वहां से फिर एक एक करके जो इन लोग आ रहे उसका वीडियो निकालना चाहते थे। तो मेरे डैड भागने लगे, मैं उनको बोला रुको रुको, उनके पीछे भाग रहा हूँ, बोला रुको तुम रुको, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। उन लोग एक्चुअली एक ही एरिया में मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे से तीसरे एरिया, तीसरे एरिया से वापस पहले एरिया, वैसे उन लोग एक चक्कर मार रहे थे। और इनका जो ये राउंड है वो शाम को 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक उन लोग करते हैं। इस राउंड में बीच बीच में जो भी मंदिर आते हैं उन लोग वहां पे रुकते हैं। We'll be right back.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर देना। मैंने सोचा था इनका फोटोज लूंगा, लेकिन जो लो लाइट के वजह से, वैसे तो मेरे पास 1.4 वाला लेंस है, पर फिर भी लो लाइट में मुझे फोटोज में वेस्ट नहीं करना था, मुझे मैंने सोचा उससे अच्छा वीडियो ही ले लूँ, फोटोज लेने से अच्छा ही है। वीडियोस तो बहुत अच्छा है, तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे और वीडियोज आने वाले हैं फ्यूचर में, और भी वीडियोज आएंगे, सिर्फ केरला के नहीं आएंगे, और भी अलग अलग जगह के जरूर वीडियोज मैं अपलोड करूंगा जहाँ जहाँ जाऊँगा। तो थैंक यू देखने के लिए ये वीडियो, एंड स्टे ऑसम।